लखीसराय में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर लगातार शराब की तस्करी में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बीरपुर थाना पुलिस ने अहले सुबह एक ट्रक पर लोड 490 कार्टून विदेशी शराब को जब्त किया है। साथ ही मौके से पुलिस ने एक पिकअप और एक बाइक को भी बरामद किया है। हालांकि इस दौरान शराब तस्कर भागने में सफल रहे। बताया जा रहा है कि बीरपुर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब की एक बड़ी खेप मैदा बभनगामा गांव के बसबारी में पहुंचा है, जिसे अनुरोध किया जा रहा है। इस सूचना पर जयपुर थाना पुलिस ने छापेमारी की, जहां से ट्रक पर लूट शराब बरामद किया गया। शराब धान की भूसी के बोरे के पीछे छिपा कर ट्रक से शराब की खेप लाई गई थी। बरामद शराब अरुणाचल प्रदेश निर्मित है, जो राजस्थान नंबर ट्रक में लूट कर लाया गया था। बरामद शराब की बाजार मूल्य 50 लाख रुपए बताई जा रही है। शराब की बड़ी खेप बरामद होने की सूचना पर सदर DSP राजन सिन्हा भी बीरपुर थाना पहुँच पूरे मामले की जांच पड़ताल की। DSP ने बताया कि शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। टेक्निकल सर्विलांस और गाड़ी से बरामद कागजात के आधार पर तस्करों को चिन्हित किया गया है। जल्द ही तस्करों की गिरफ्तारी की जाएगी। डीडी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से रविशंकर गन की रिपोर्ट। राजस्थान का ट्रक है, साथ में एक बोलेरो गाड़ी और एक मोटरसाइकिल की भी बरामदगी हुई है और काफी मात्रा में शराब इसमें मिला है। ये लगभग करीबन 4338 लीटर जी ये मिला है, और ये आपको 180 ml का, 375 ml और 750 ml तीनों सीरीज के ये मिले हैं, और कई कार्टून मिले हैं जिसमें टोटल कुल मात्रा लगभग 4338। गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन आदमी हम लोग चिन्हित कर लिए हैं जी। और टेक्निकल के आधार पर भी अन्य आदमियों का हम लोग नाम निकलवा रहे हैं, उसके बाद सही अनुसंधान करके फिर हम लोग गिरफ्तारी।